नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है सबसे शक्तिशाली ऐसी चमत्कारिक जड़ी बूटी जिसको बोलते हैं भूतबाल जड़ी। ये है दोस्तों भूतबाल जड़ी। आपने कहीं सड़क के किनारे कई लोगों को ये जड़ी बेचते हुए देखा होगा, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है ये आप नहीं जानते होंगे। ये है भूतबाल जड़ी जो मैं वशीकरण साधना में मैंने उपयोग में लाया और मुझे बहुत ही अच्छा फल प्राप्त हुआ। ये है, इसके ऊपर छोटे छोटे बाल, ऐसे जैसे बाल किसी के ऊपर लगे हो, जैसे अपने सियार सिंगी में आपने देखा होगा, वैसे के वैसे इसमें भी मैंने बाल देखे हैं कि इसके ऊपर एक नरम बाल होते हैं जड़ी के ऊपर। ये बहुत ही दुर्लभ जड़ी होती हैं जिसका उपयोग अगर आप वशीकरण साधना में, किसी की नज़र दृष्टि दूर करने में या कोई भी कार्य करने में अगर आप काम में लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इस जड़ी को किस प्रकार से काम में लेते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इस जड़ी को आपको काम में लेने के लिए आपको, यदि आपको कोई दुकान पे मिल जाए या कभी सड़क के किनारे जो व्यक्ति लेके बैठते हैं जड़ी बूटियाँ, हरिद्वार में, नासिक में, तो वहाँ कहीं भी आपको ये, मैं ये उज्जैन से अभी लेके आया हूँ भूतबाल जड़ी, और इसको मैंने उपयोग में लिया है। इसको तावीज़ में भरकर यदि आप बच्चों के गले में भी बांधते हैं तो भी किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा से, आपको नज़र टोकार से भी आपको मुक्ति मिलेगी, आपके बच्चे की, आपके परिवार की रक्षा कर सकती हैं। इस जड़ी का इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों, वशीकरण करने के लिए साधना में रात्रि को ठीक 12 बजे शुक्रवार के दिन इस प्रकार से आपको एक साधना करनी है। कुछ गुलाब के फूल आपको एक लाल कलर के वस्त्र के पाठे के ऊपर बिछा देने हैं, और इस प्रकार से एक कपड़े का पुतला आप बना लीजिए, और भूतबाल जड़ी को आप उसके बीच में, जिसको भी वश में करना चाहते हैं, उसका स्त्री या पुरुष का कपड़े का पुतला बनता है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी सामान्य कपड़े का पुतला आप बना सकते हैं, और उसके ऊपर ये भूतबाल जड़ी रखनी है। दोनों तरफ जिसको भी वश में करना चाहते हैं, एक तरफ लड़के का फोटो, एक तरफ लड़की का फोटो, दोनों फोटो आप दोनों तरफ रख लीजिए। इस प्रकार से आप, जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस प्रकार से आपको ये रखना है फोटो दोनों तरफ, लड़का और लड़की का, एक तरफ लड़के का, एक तरफ लड़की का, जिसको आप वश में करना चाहते हैं, दोनों के फोटो रख लीजिए, और अच्छा सा सुगंधित आप धूप जला लीजिए। कोई भी आप इस प्रकार से अच्छा सा बाजार से अगरबत्ती नहीं, धूप जलाना है, और फिर दोस्तों आपको इस प्रकार से एक चमेली का तेल का दिया जलाना है, और इस प्रकार से ये साधना होगी आपकी सफल और सिद्ध। चमेली के तेल का दिया जलाना है और दो धूप स्टिक जलाने हैं, और ये साधना फिर आपकी शुरू होगी। और इसमें फिर आपको एक पानी वाला नारियल जो रहेगा, एक पानी वाला आपको नारियल लेना है, और उसको भी आप, ये नारियल इसलिए है कि आप, यह है श्री फल, आप एक अच्छा फल माता जी को, वशीकरण की देवी माँ सरस्वती, माँ कामाख्या देवी को आप चढ़ाएंगे तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, इसलिए इसको बोलते हैं श्री फल, अच्छा फल देने वाला। और फिर आपको धूप को इस प्रकार से आपको जला दीजिए, और फिर इसके बाद में आपको 108 आहुति देनी है इस मंत्र की। भूतबाल जड़ी को इसके ऊपर हवन के ऊपर 7 बार ऐसे घुमा देंगे, और फिर पुतले के ऊपर रख देंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम नमो भूतनाथ भूत भावन समस्त भुवन साध्य ओम फट स्वाहा। अमुख, जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं, अमुख मम वश्य वश्य आकर्षे आकर्षे कुरु कुरु स्वाहा। 108 आहुति भूतनाथ मंत्र की देंगे तो सामने वाला व्यक्ति
एकदम आपकी तरफ आकर्षित होगा, तड़पेगा, आपका लव ब्रेकअप हो गया है, या आपका प्रेमी आपको छोड़ के चला गया है, या आपका पति आपको छोड़ के चला गया है, या आपकी पत्नी आपको छोड़ के चला गया है, तो मात्र सिर्फ आप इस भूतबाल जड़ी से उसको वश में कर सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारिक और दुर्लभ जड़ी है दोस्तों, कहीं आपको सड़क के किनारे मिल जाए तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। इस प्रकार से 108 आहुति देते ही सामने वाला व्यक्ति तड़प कर आपके पास में अवश्य आएगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।